जय भवानी, आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम सक्षम तक स्टडी पर स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो है जो 46,000 45,000 जो सुन रहे हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ ELT अधियाचन 1.5 साल से विज्ञप्ति का पता नहीं और जुलाई बीतने को अध्यक्ष का पता नहीं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग और इसी के दारोमदार सारी भर्ती प्रक्रिया होनी है। बात होगी JEE 2018 रिजल्ट के बारे में और ITI स्ट्रक्चर के बारे में, जो नए अध्यक्ष UPSC के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हुए उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया JEE 2018 रिजल्ट को लेकर, सभी लोगों ने सुना होगा और कल की अपडेट आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी YouTube चैनल पर दी गई थी उसके बारे में चर्चा की जाएगी। वहीं जो ITI स्ट्रक्चर के संदर्भ में नोटिस भी देखने को मिल सकती है। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों पर चर्चा की जाएगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर, इस प्रकार के लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चलिए देख लेते पहले खबरें आज के समाचार पत्रों की। आज के समाचार पत्रों की पहली खबर है पुलिस भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजू नैन मिश्र की जमानत अर्जी मंजूर। आरओ यारो पेपर लीक मामले में खारिज हो चुकी है जमानत अर्जी, इसलिए अभी जेल से नहीं छूटेगा। बात हो रही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजू नैन मिश्र की जमानत मंजूर कर लिया। आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने दिया है। गौतम बुद्ध नगर में STF की ओर से दर्ज मामले में इसका नाम पेपर लीक गिरोह के साथी सह अभियुक्त प्रमोद कुमार पाठक, मोनू पंडित, मोहन उर्फ मोना, गौरव चौधरी, आशीष पालीवाल, अखिलेश और राहुल की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था। गौरतलब है कि 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई जिसके बाद शासन ने परीक्षा को रद्द कर दी। लबोलब कहानी हुई है जो सभी को पता है, लेकिन आरओ पेपर लीक के मामले में खारिज हुई थी इसकी याचिका, इसलिए अभी तक इसको जमानत अर्जी से जेल से नहीं छूटेगा। बाकी की जमानत तो मिल चुकी है। बात हो रही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का जो पेपर लीक हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज के समाचार पत्रों में खबर निकली कि जून भी बीता, नए आयोग को नहीं मिले अस्थाई अध्यक्ष। जून बीत गया, जुलाई भी मिड बीत गई, अब तक अध्यक्ष नहीं आए। सरकार की तरफ से कितनी तेजी के साथ कार्य हो रहे हैं ये सभी प्रतियोगी छात्रों को पता। पूरी खबर है कि जून का महीना भी बीत गया लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए अस्थाई अध्यक्ष अब तक नहीं मिल सके। अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण नीतिगत फैसले अटके हुए, नई भर्तियों को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। पुरानी लंबित पड़ी भर्तियों की परीक्षा तिथि भी अब तक तय नहीं की जा सकी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लोकसभा चुनाव से पहले आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की मियाद बीतने के बाद भी अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो सका है और शासन ने दोबारा आवेदन मांग लिया। इसके बाद जो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई, इन तमाम तरह की खबरों में यह स्पष्ट रूप से हो रहा है कि कितनी तेजी के साथ और कितनी तत्परता के साथ जो भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी करने के लिए सरकार है, इससे स्पष्ट होता है ये एक वानगी है। इतना भारी भरकम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को कार्य करना है लेकिन अभी तक जो पटरी पर गाड़ी नहीं आई है। चर्चा थी कि आचार संहिता हटते ही आयोग अस्थाई अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन जून भी बीत गया और आयोग को अब तक कोई अध्यक्ष नहीं मिला। उधर अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में TGT PGT के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को अगस्त में 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश का हाल। शिक्षक भर्ती हो या कोई भर्ती प्रक्रिया हो, सिर्फ पेपर में देखने को जो मिलता है कि ये भर्ती आएगी वो भर्ती आएगी, लेकिन जो 2-2 साल से भर्ती की जो फार्म पड़ चुके हैं उसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं। ऐसा कब तक चलेगा, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग CLT GIC प्रवक्ता के BO की विज्ञप्ति का अधियाचन भी 1.5 साल होने को हैं लेकिन उसकी भी सुध नहीं कि उसकी भी विज्ञप्ति जो है जारी कर दिया जाए, जबकि जून माह में ही विज्ञप्ति जारी होने की पूरी ये था कि जैसे मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये हुआ था कि आयोग तेज़ी दिखाएगा कार्यों में, लेकिन फिर जो है ढुलमुल तरीके से आयोग जो उसी प्रक्रिया में लग गया। पेपर लीक प्रकरण को लेकर सारी चाक चौबंद व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा की जा रही उसी को लेकर के उसमें पूरा जोन जो है निकल गया, लेकिन विज्ञप्ति अभी तक नहीं है। अब प्रतियोगी छात्र इसको लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे क्योंकि विज्ञप्ति को लेकर के परीक्षाओं को लेकर के जो है सरकार थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए प्रतियोगी छात्रों के पास जो विरोध के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि समय रहते अगर निर्णय नहीं लिया गया तो प्रतियोगी छात्रों का ही नुकसान होता। 2-2, 3-3 साल से भर्ती प्रक्रिया को लटकाए रखने का क्या औचित्य है। 50 भर्ती 10 भर्ती निकाले आयोग, प्रतियोगी छात्र एक बार भी नहीं बोलेगा, लेकिन तय सीमा निर्धारित की जाएगी, इस समय तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाएगा, ऐसी प्रतियोगी छात्रों की मांग रहती है हमेशा, लेकिन सरकार इसको नज़रअंदाज कर देती है। UPSC की बात करें तो UPSC से जूनियर इंजीनियर 2018 रिजल्ट को लेकर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन। उनको आए दिन जो है आयोग पे प्रदर्शन करने जाते, फिर उनको उठा के वहाँ से ले जाके जहाँ धरना प्रदर्शन करना होता है वहाँ ले जाके छोड़ देते हैं इको गार्डन में। वहाँ प्रतियोगी छात्र परेशान होते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेता, लेकिन आयोग से इंटरव्यू साक्षात्कार होने पर जो है मीडिया से ये जानकारी उनके द्वारा आयोग के द्वारा दी गई कि इस पर काम जो है किया जा रहा है तेज़ी के साथ। सारे भर्ती प्रक्रियाओं के जो काम रोक दिए गए हैं अब सिर्फ JEE को काम हो रहा है। तो आपको कल की डेट में जो अपडेट दिया गया उसी के आसपास
आसपास जो परिणाम देखने को मिल जाएगा वो 25 तारीख से लेकर के जो है जुलाई के लास्ट तक जो है एटलीस्ट जेई 2018 का परिणाम जो है जारी हो जाएगा। इसी प्रकार से एएसओ को लेकर के जो है 5 साल से भर्ती प्रक्रिया वो भी प्रोसेस में थी, कंप्लीट होने तक जो है भर्ती प्रक्रिया को अभी तक अंतिम पड़ाव में ब्रेक लग गया। एएसओ प्रोविजनल वाले हाय तौबा कर रहे हैं, लेकिन आयोग को ये नहीं है कि कम से कम उनका जो है प्रोविजनल करा रहे, वहीं जो है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन वालों का भी जो है वो भी हाय तौबा कर रहे हैं प्रोविजनल के लिए, उनको भी नहीं अभी तक आयोग के संदर्भ में कोई नोटिस। यानी कि आयोग ही चाहता क्या है कि भर्ती प्रक्रियाओं को 55 साल होने के बाद अगर वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ी तो फिर उसमें पावर ब्रेक लगाने की क्या ज़रूरत है, कि उसमें से भर्ती प्रक्रियाएं पूरी करें। सरकार को किरकिरी सिर्फ इन्हीं आयोगों की वजह से होती है, नहीं तो सरकार के हर कार्यों में देखा जाए तो पैनी नज़र सही है, लेकिन इन आयोगों के कार्यों की वजह से जितनी छिछालेदर सरकार की होती है शायद और किसी कार्यों को लेकर नहीं होती, चाहे वो कोई आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन, नए शिक्षा सेवा चयन, तो भी जन्म ही समझो नहीं हुआ पूर्ण रूप से। इसलिए जो है आयोग की कार्यप्रणाली ही ऐसी है कि प्रतियोगी छात्र जो कि युवा बढ़ चढ़ के वोट में भागीदारी करते हैं उन्हीं पर अंकुश लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार के कार्यों में कोई कमी नहीं, लेकिन आयोग के जो भी कार्य होते हैं वही जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो इस भर्ती को लेकर के जो अभी तक आयोग ने, जबकि जो इन्फॉर्मेशन आयोग के द्वारा जो सचिव सर थे पुराने, उनको हटने के बाद जो प्रतियोगी छात्रों ने बताया कि वो कहते थे तुरंत जारी कर दिया जाएगा, अब नए कार्यवाहक अध्यक्ष आ गए, इनके द्वारा कार्यों में कितनी तेज़ी देखने को मिलती है तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे जानकारी यही है कि जैसे भी होगा एक नोटिस दो नोटिस जो है देखने को मिल सकती है अगर कार्यों में तेजी यूपी ट्रिपलएससी दिखाएगा तो, क्योंकि ये नोटिस आने को है यूपी ट्रिपलएससी से आईटीआई स्ट्रक्चर को लेकर के। अब कार्यवाहक अध्यक्ष आ गए हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा लेट लतीफी देखने को मिल सकता। बात करते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए 60 मिनट को बता देते हैं। 45 से 46 हज़ार की जो बात हो रही है मीडिया जगत की खबरों में देखेंगे, तमाम तरह के न्यूज़ चैनलों पे एक प्रकार से जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है ना, कोई कोचिंग संचालन चलाने के लिए कुछ खर्च कर दें उसके बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लें, उस प्रकार की प्रक्रिया इसमें है सिर्फ। क्योंकि जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष नहीं आएंगे, उसका मसौदा पूरा तैयार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा, तब तक शिक्षक भर्ती कैसे आ जाएगी, संभव ही नहीं है। इसलिए जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी खबरें चल रही हैं, 45,000 वैकेंसी आ रही है सिर्फ, जो है ये खबरें कुछ मीडिया जगतों में देखने को मिली होगी, ऐसा अभी कुछ नहीं है। क्योंकि आयोग में अगर जाकर कोई जानकारी भी लेना चाहेगा ना तो वहाँ पे किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है अभी, और ये सभी को पता है कि बार बार विधानसभा के पटल पर भी कहा गया सरकार के पास कि सब कुछ समान है। कुल मिला के जो है जब तक यूपी टेट की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है इस प्रकार की न्यूज़ सिर्फ जो है कोचिंगों को भरमार के लिए चलाया जा रहा है। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, मिलते हैं कुछ और लेटेस्ट बड़ी अपडेट के साथ अगली वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी होती है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। खबरें छोटी होंगी या बड़ी होंगी प्रतियोगी छात्रों के हित की होंगी वो आपको जरूर चैनल पर देखने को मिलेगी।